आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कू एप्लीकेशन के बारे में, और मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पैसे विड्रॉवल करने में दिक्कतें आ रही है, और मैं आप लोग को यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे कू एप्लीकेशन का न्यू अपडेट के बारे में। और मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग को एक सप्ताह में अब आप लोग को यहाँ पे 14 रुपये नहीं 7 रुपये नहीं, आप लोग को यहाँ पे भाई 40 से 50 रुपये आप लोग को मिलने वाला है एक सप्ताह में। आप लोग को मैं इन सभी अपडेट के बारे में बताऊंगा क्या इस अपडेट का क्या रूल है, क्या न्यू अपडेट आया हुआ है, और आप लोग को यहाँ जो पैसे विड्रॉ करने में जो भी आप लोग को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे, आप लोग का पैसा फंस जा रहा होगा, तो मैं आप लोग को उन सभी का मैं आप लोग को यहाँ पे सोल्यूशन दूंगा। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस वीडियो में बस आप लोग यहाँ पे शुरू से अंत तक आप लोग यहाँ पे देखते रहे, जिससे कि आप लोग को सारा जानकारी आप लोग को मिल जाए, और आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी यहाँ पे को एप्लीकेशन को आप लोग अच्छे से यूज कर पाए, और आप लोग यहाँ पे डेली यूज करके आप लोग यहाँ पे अच्छे पैसे की अर्निंग कर पाए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना हाथ में स्मार्टफोन ले लिया। स्मार्टफोन को जाने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे कू एप्लीकेशन को आप लोग को सर्च कर लेना। जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ओपन दिख रहा है। अगर आप लोग का यहाँ पे अपडेट मांग रहा है, अगर आप लोग का यहाँ पे अपडेट आप लोग को यहाँ पे मांग रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपडेट आप लोग कर लेना, क्योंकि जब तक आप लोग यहाँ पे ऐप को अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप लोग का कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे अपना ऐप को अपडेट करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे अपडेट हो चुका है, कोई भी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे ओपन करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कू एप्लीकेशन को ओपन किया, ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे एप्लीकेशन का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कुछ मेरा यहाँ पे देखिए आज का जो कि मेरा यहाँ पे देखिए डाटा स्टार्ट हो चुका है, और मेरा यहाँ पे बस यहाँ पे 49 सेकेंड हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन को ओपन किया, मैंने इसके पहले ओपन नहीं किया था। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग को यहाँ पे 10 मिनट यूज करने के बाद आपको पैसे मिलते हैं। बात रही आपको यहाँ पे कितना रुपये मिलेगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला जो कि यहाँ पे अभी मेरे अकाउंट में मुझे यहाँ पे मिला 14 रुपये। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग का अकाउंट पहले का, अगर आप लोग का ओल्ड अकाउंट है, तो आप लोग को यहाँ पे एक रेफर करने में यानी आप लोग को यहाँ पे एक सप्ताह में आप लोग को मिलेगा भाई 28 रुपये। अगर आप लोग एक यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाए हैं, न्यू अकाउंट बनाए हैं, तो आप लोग को हो सके 7 रुपये मिलेगा, हो सके आप लोग को 14 रुपये मिले। कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है, जो कि यहाँ पे न्यू अकाउंट आप लोग ओपन करते हैं तो उसका यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं, कभी आपको 7 रुपये कभी 14 रुपये। लेकिन जिसका ओल्ड अकाउंट है, जिसका पहले से अकाउंट है, उसको यहाँ पे भाई 28 रुपये मिलता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोग को यहाँ पे 10 मिनट तक आप लोग को यूज करना है और आप लोग को कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। बात करें पैसे विड्रॉ करने की, यहाँ पे सिंपली आप लोग यहाँ पे भुगतान पाए वाले ऑप्शन पे जाना है। इस पे जाएंगे तो आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे पैसे निकाले वाले ऑप्शन पे जाना है। जैसे आप लोग इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को बोलेगा अपना UPI ID डालने को। तो उससे पहले मैं आप लोग बता दूँ कि मैं यहाँ पे सिंपली अपना Paytm में जाता हूँ, और Paytm में जाने के बाद मैं आप लोग को यहाँ पे सारी जानकारी मैं आप लोग को डिटेल में देता हूँ कि आप लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे Paytm एप्लीकेशन को ओपन किया। Paytm ओपन करने के बाद आप लोग मेरे यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे 450 रुपये का मेरा यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली जाता हूँ। इस पे जाने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको दिखिए पैसे निकाले, सिंपली मैं इस पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे अपना UPI ID को मैं यहाँ पे टैप करता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे आप लोग के सामने मैं यहाँ पे अपना UPI ID को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं UPI ID लिखने के बाद यहाँ पे आप लोग को वेरीफाई दिखेगा। बस आप लोग को यहाँ पे वेरीफाई पे आपको टैप करना है, और यहाँ पे आप लोग को नीचे में आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आगे बढ़ेगा। सिंपली आप लोग यहाँ पे आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे, उस पर टैप करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ रहा है, और यहाँ पे आप लोग कुछ यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांजेक्शन एंड प्रोसेस किया जा रहा है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ आप लोग को यहाँ पे 1 सेकंड में पेमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप लोग को हो गया वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपली अपने Paytm एप्लीकेशन में। मैं यहाँ पे Paytm को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जो भी हो रहा है आप लोग के आँखों के सामने हो रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे जाएंगे तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना Paytm को एक बार अच्छे से मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ कि इसमें पेमेंट आप लोग को 1 सेकंड में मिल रहा है। जो भी आप लोग का यहाँ पे पेमेंट वाला दिक्कत है, वो आप लोग को यहाँ पे दिक्कतों का सामना आप लोग को यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। इस पे जब आप लोग यहाँ पे जाएंगे, चलिए मैं यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट में जाता हूँ।
चलिए मैं यहाँ पे अपना पासकोड डाल देता हूँ, इस पर जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे 3 रुपये का पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है। क्योंकि क्या होता है कभी यहाँ पे इंटरनेट के कारण भी आप लोग को यहाँ पे टाइम लग सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं, कभी इंटरनेट के कारण भी आप लोग को यहाँ पे रुकना पड़ सकता है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो चुका है, कोई भी दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा हो तो मैं आप लोग को यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पर आप लोग जाकर देखेंगे मुझे यहाँ पे पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका होगा। चलिए मैं यहाँ पे इस पर जाता हूँ और इस पर जाने के बाद और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 4 रुपये का पेमेंट मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुका है, जो कि मैंने आप लोग को बताया कि मुझे पेमेंट रिसीव होगा। और यहाँ पे देखिए मुझे 4 रुपये पेमेंट रिसीव हो गया है। यहाँ पे आप लोग का ऐप का नेम भी देखने को मिल रहा है, यानी क्या होता है कभी इंटरनेट के कारण 1 सेकंड का लेट होता है। मैंने आपको बोला कि पेमेंट आ गया तो भाई पेमेंट आ गया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने आप लोग को इस वीडियो में कू एप्लीकेशन का अपडेट बताया। अगर आप लोग को वीडियो यहाँ पे हेल्पफुल लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अभी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।